नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति अनुराग है। मैं एक सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ, साथ ही साथ एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन को नेचुरली कैसे रोकें, क्या क्या ऐसे टेक्निक्स या घरेलू नुस्खे हैं जो हम कर सकते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ों में सुधार आ सके। पहला चीज़ होता है, हम समझना चाहते हैं कि सेक्स की जो इजैकुलेशन की प्रक्रिया होती है वो एक वेव की तरह होती है, जैसे समुंदर में लहर आती है फिर चली जाती है, ये भी उसी तरह का एक लहर है। अब आती है पहला टेक्निक क्या है, वो है स्टार्ट या स्टॉप टेक्निक। इसमें क्या करना रहता है, जैसे ही एक मर्द सेक्स करता है और उसको लगता है या फिर उसको भनक लगती है कि अभी उसको डिस्चार्ज हो जाएगा या फिर इजैकुलेशन हो जाएगा, उस समय के लिए वो थ्रस्टिंग या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स को, जो बार बार वो लिंग को योनि में प्रवेश कर रहा है, उसको रोक देता है और वो चीज़ 20 सेकेंड के लिए रोक देता है। उसके बाद जैसे ही ये फीलिंग डाउन हो जाती है, उसके बाद फिर से वो सेक्स करना चालू कर देता है। इससे क्या होता है ना, बीच बीच में ब्रेक्स लेने से इजैकुलेशन का फीलिंग आता है वो रुक जाता है और आप सेक्स थोड़ा सा लंबे समय तक कर पाते हैं। दूसरा टेक्निक होता है स्क्वीज टेक्निक। स्क्वीज टेक्निक क्या है, इसमें क्या होता है ना, जब एक मर्द को लगता है कि अभी उसका डिस्चार्ज हो जाएगा या फिर इजैकुलेट होगा, तो वो क्या करता है, या तो अपने पार्टनर को बोलता है या फिर खुद दो फिंगर्स और एक थंब को लेकर अपने पेनिस के हेड के पीछे और शाफ्ट के बीच में प्रेस करता है। तब तक प्रेस करता है जब तक उसे इजैकुलेशन का फीलिंग या डिस्चार्ज का फीलिंग रुक नहीं जाता है, और हल्का सा पेन होने तक, बहुत ज़्यादा पेन नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन अगर होगा तब इंजरी हो सकती है, और जैसे ही इजैकुलेशन का फीलिंग थोड़ा सा घट जाता है फिर रिज्यूम कर सकता है वो सेक्सुअल एक्टिविटी। तीसरा टेक्निक है आपका कीगल्स एक्सरसाइज। ये बहुत फेमस है और बहुत जगह पर लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे हेल्थ मैगजीन्स में भी आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि करना कैसा है पता नहीं है लोगों को, तो उसका सटीक तरीका हम डिस्कस करते हैं। तो पहला चीज़ है कि हमको आइडेंटिफाई करना रहता है कि कौन से मसल पर एक्सरसाइज करना है। तो मसल कैसे पहचाने, तो जब हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं या पेशाब करने के लिए जाते हैं, उस समय पे बिना हाथ लगाकर जब आप पेशाब को रोकने की कोशिश करते हो, वो जो मसल आप रोकते हो या फिर स्क्वीज करते हो या फिर टाइट करते हो, उसी मसल पे हमें वर्कआउट करना रहता है। और ये कैसे करना रहता है, तो या तो आप लेट के कर सकते हो या बैठ के कर सकते हो, और उसको टाइट करना है और 3 सेकेंड के लिए करना है, और एक बार में 10 बार ऐसा करना है और दिन में 3 बार करना है। तो फिर से बता देता हूँ कि जो मसल जब आप पेशाब करने जाते हो उस समय पर टाइट करते हो पेशाब रोकने के लिए, उसको आपको टाइट करना रहता है, दिन में 3 पड़ाव रहता है इसका या फिर 3 टाइम्स करना रहता है, और ये एक टाइम में 10 बार करने रहते हैं, और स्क्वीज कितने सेकेंड के लिए करना रहता है, 3 सेकेंड के लिए, फिर रिलैक्स। तो कैसे होता है, 3 सेकंड के लिए टाइट, फिर रिलैक्स, फिर 3 सेकंड के लिए टाइट, फिर रिलैक्स, ऐसा 10 बार करना है, और वो भी दिन में 3 बार ऐसा। तो इसको छोड़ के और क्या हो सकता है, इसको छोड़ के जिंक सप्लीमेंट लेने को बोला जाता है। क्यों, जिंक आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है और साथ ही साथ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रक्रिया को भी रोकता है, और कभी कभार सेक्स के पोजिशन को लेकर भी चेंजेस आ सकती है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ यूज़ भी किया है, जैसे आप अपने पार्टनर को ऊपर चलने के लिए बोले, आप अंडरनीथ रहेंगे, इससे क्या होता है आपका फीलिंग थोड़ा सा कम रहता है और आप लंबे समय के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हो। तो ये कुछ नेचुरल टेक्निक्स है जिसको आप यूज़ करके अपने शीघ्र पतन को कंट्रोल में रख सकते हो, और ये सारे टेक्निक्स को आप मेडिसिंस या फिर आधुनिक ट्रीटमेंट के साथ भी सप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल टेक्निक्स हर किसी के साथ एक बूस्टर रहता है।